Hello students, welcome back to my channel and I am here with chapter number 2 from class 11 supplementary reader snapshots. The name of the story is The Address and it has been written by Marga Minko. The story is based on the human predicament in war. Yudh hamesha do parts mein divided hota hai, pre-war aur post-war. और उस ड्यूरेशन में ह्यूमन प्रेडिकमेंट जो होता है जिसका मतलब है द मैन इज बाउंड टू अंडरगो अ नंबर ऑफ पेनफुल एंड अनडिजायरेबल एक्सपीरियंसेस एंड हाउ ही ट्राइज टू फेस देम एंड ओवरकम फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस. तो ये जो थीम है उसको लेके ये स्टोरी लिखी गई है. This is the time of the Second World War और हॉलैंड में युद्ध चल रहा है. जर्मन नाजी फोर्सेज आर एट वर्क एंड डेफिनेटली द जियो कम्युनिटी इज गोइंग टू बी परपेट्रेटेड बाय देअर एक्सप्लॉयटेशन फर्स्ट. तो ये जो नाजी हैं वो जियोज के पीछे पड़े हुए हैं और जियोज लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अब जगह जगह भागना पड़ रहा है. वो कहीं छुपने की कोशिश करते हैं, कैसे भी करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. अदरवाइज दे विल हैव टू कंफिस्केटेड एंड गो टू द कंसंट्रेशन कैंप्स रन बाय हिटलर. तो इन सब से बचने के लिए ज्यूज जो हैं वो बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं. अब हम चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ जहां पर नरेटर जो है जो कि कहानी को सुना रही है वो मिसेस एस की डॉटर है. मिसेस एस जो है वो एक रिच जियो लेडी है. उनकी एक फ्रेंड है मिसेस डॉलिंग जो कि जियो नहीं है और मिसेस डॉलिंग जो है वो मिसेस एस के यहाँ से सारा कीमती और एक्सपेंसिव आइटम्स जो हैं वो ले जाके अपने यहाँ पर स्टोर कर लेती हैं क्योंकि युद्ध चल रहा है और क्योंकि जियोज जो है दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द वॉर. तो उन्हें भागना पड़ेगा जगह जगह. तो उनको एश्योर करती है कि आप जाइए और जब आप लौट के आएंगी तो ऑल द थिंग्स विल बी सेफ टिल दैट टाइम. तो आप आइएगा और अपना सामान ले लीजिएगा, ये प्रॉमिस भी उन्होंने किया होता है. तो अब क्या होता है, युद्ध हो चुका है. युद्ध में मिसेस एस की फैमिली के सारे मेंबर्स मर चुके होते हैं, उनका घर खत्म हो चुका होता है, उनके सारे रिचेस खत्म हो चुके होते हैं. सिर्फ एक फैमिली मेंबर उनका बचता है जो कि है द नरेटर. तो उनकी बेटी जो है मिसेज एस की बेटी जो है जो नरेटर बस वो बचती है और वो जाती है मिसेज डॉलिंग के यहाँ अपने सामान को वापस लेने के लिए. और फिर क्या क्या एक्सपीरियंसेस उसके होते हैं वो यहाँ पर स्टोरी में डिस्क्राइब किए गए हैं. सो द स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन शी गोज टू एन एड्रेस. द एड्रेस इज 46 मार्कोनी स्ट्रीट. तो इस एड्रेस पर वो जाती है और बेल बजाती है. तो मिसेस डॉलिंग दरवाजा खोलती हैं और उससे पूछती हैं डू आई नो यू. लड़की बताती है आई एम मिसेस एसिस डॉटर. उसके बाद भी वो बड़ी क्वेश्चनिंगली उसको देखती रहती हैं एज इफ शी डजंट रिकॉग्नाइज हर, जैसे कि वो उसको जानती है. मिसेस डॉलिंग कोशिश कर रही हैं कि दरवाजे को बंद रखें, उसको पार्शली उन्होंने बंद कर रखा है सो दैट द गर्ल शुड नॉट सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इनसाइड ऑफ द हाउस. और जैसे ही वो बाहर आती हैं तो लड़की रियलाइज करती है, नरेटर रियलाइज करती है दैट द ग्रीन निटेड कार्डिगन दैट मिसेस डॉलिंग वॉज वियरिंग दैट वॉज एक्चुअली विच बिलोंग टू हर मदर. द कार्डिगन दैट वॉज रिपीटेडली बींग यूज बाय मिसेस डॉलिंग एंड द बटन्स हैड गोन पेल ड्यू टू रिपीटेड वॉशिंग. और जब वो उसको देख रही होती है मिसेस डॉलिंग को अपनी गलती का रियलाइज होता है और वो फिर से शी हाइड्स हरसेल्फ बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे अपने आप को छुपा लेती है और कहती है सो यू हैव कम बैक, आई थॉट नोबडी विल कम बैक, मुझे तो लगा था कि कोई वापस ही नहीं आएगा. तो नरेटर कहती है कि ओनली आई हैव कम बैक, तो केवल मैं ही अकेले आई हूँ. तो मिसेस डॉलिंग कहती है कि दिस इज नॉट अ सुटेबल टाइम फॉर मी टू मीट यू. तो मेरे पास तो अभी टाइम है नहीं, मैं अभी तुमसे मिल नहीं सकती, मुझे बहुत काम है. तो मे बी आई विल मीट यू सम अदर टाइम. और ये कह के वो दरवाजा बंद कर लेती. समबडी फ्रॉम इनसाइड द हाउस वॉज पीपिंग आउट ऑफ द विंडो एंड ट्राइंग टू गेट एन आइडिया वॉट वॉज गोइंग ऑन एंड शी एंड इट ही आस्क फ्रॉम द मिस फ्रॉम मिसेज डॉलिंग अबाउट इट वॉट वॉज इट एंड शी सेज इट वॉज नथिंग. और ये कह के अंदर तो शांति हो जाती है, बाहर जो नरेटर खड़ी हुई है शी लुक्स एट द एड्रेस एंड सीज अ ब्लैक नंबर 46 ऑन अ व्हाइट एनिमल. व्हाइट एनिमल पर लिखा हुआ 46 नंबर वो देखती है एंड शी नोज दैट शी वॉज ऑन द राइट एड्रेस.
वो उसको पता है कि वो गलत एड्रेस पे नहीं आई है और वो याद करने की कोशिश करती है, वहां से तो रिटर्न हो लेती है, वो वापस चलने लगती है स्टेशन की ओर, फ्रॉम वेयर शी हैड टू बोर्ड द ट्रेन। और रास्ते में आते आते शी हैड टू पास थ्रू द सेम प्लेसेस, द मार्केट्स, द स्ट्रीट्स वेयर शी हैड पास्ड अ सिग्निफिकेंट टाइम ऑफ हर लाइफ, ऑफ हर ब्यूटिफुल टाइम ऑफ हर चाइल्डहुड, अपने बचपन का जो बढ़िया समय, उसमें हैप्पी जो मोमेंट है वो उसने वहां गुजारे हुए हैं। बट टूडे शी हैज नो करेज टू लुक एट दोज प्लेसेस बिकॉज नाउ ऑल ऑफ दैम हैव बीन डिवास्टेटेड बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ वॉर। सब कुछ बर्बाद हो चुका है और उस लड़की की बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि उन सारी बर्बादियों को वो अपनी आंखों से देख सके और उन पेनफुल एक्सपीरियंसेस को वो फिर से कन्फ्रंट कर सके। वो आगे बढ़ती रहती है और सोचती रहती है कि कैसे कुछ साल पहले जब वो अपने घर आई तो उसने पाया कि दैट वन और अदर थिंग्स इज मिसिंग फ्रॉम द हाउस एंड शी इंक्वायर्ड फ्रॉम हर मदर अबाउट इट, कि कुछ ना कुछ सामान जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि गायब हो रहा है। तो उसकी मदर बताती है दैट यू शुड हैव नोटिस्ड इट अर्लियर, तो मैं तो ये पहले ही पता चल जाना चाहिए था। क्योंकि हुआ क्या कि वो बताती हैं कि क्योंकि इट इज द टाइम ऑफ वॉर, युद्ध शुरू हो चुका है और आगे और भयानक होने वाला है, एंड बिकॉज वी बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी दैट इज द जीव कम्युनिटी एंड मे बी वी आर गोइंग टू बी टू फेस द कंसिक्वेंसेज इन लार्जर पोर्शन, तो दिस लेडी हु इज वन ऑफ माई ओल्ड एक्वेंटेंस एंड रिसेंटली शी हैज रिवाइव्ड हर कनेक्शन, ये वैसे तो मेरी पुरानी जान पहचान की है लेकिन अभी थोड़े ही दिनों से इन्होंने मुझसे मिलना शुरू किया है और उन्होंने खुद मुझे ऑफर किया कि क्योंकि युद्ध में हो सकता है हमें यहां से जाना पड़े या हो सकता है हमें कुछ नुकसान झेलने पड़े, तो वो सारा सामान जो है यहां से ले जाती है, मेरा जो महंगा और एक्सपेंसिव आइटम्स है वो लेके जाती है और अपने यहां सुरक्षित रख रही है ताकि जब हम लौटे तो हमें हमारा सामान उसके यहां सुरक्षित मिले। The girl becomes a little doubtful. ऐसा कैसे हो सकता है? This is the time of war. Everybody is frightened. Everybody is in stress. And how can a lady be so daredevil? कि वो डेयरिंग की वो इतनी हिम्मत कर सके कि पर डे आती है, वो सामान इकट्ठा करती है और उस सामान को बड़े पेन लेके उसे अपने घर तक लेके भी जाती है। एंड सपोज इफ समबडी गेट्स टू नो, द अथॉरिटीज गेट्स टू नो दैट शी इज डूइंग अ हेल्प टू अ ज्यू फैमिली, तो वो उसे भी कुछ ना कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो झेलने पड़ेंगे। तो ये तो ठीक नहीं है, तो ये कैसे कर रही है, तो मुझे तो डाउट हो रहा है उसके इंटेंशंस पे। तो मदर कहती है यू शुड नॉट डाउट हर इंटेंशंस, शी तुम्हें तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो कह भी नहीं पाती, मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं उससे इस तरीके की कोई मदद डिमांड करती। और शी इज सो नाइस, शी हरसेल्फ हैज ऑफर्ड हर हेल्प टू मी, उसने खुद अपनी हेल्प जो है वो मुझे ऑफर करी है, और कितना पेन लेती है हर बार वो आती है और सामान को इकट्ठा करती है, और तुम्हें पता है वो सारा जो कटलरी थी सिल्वर की जो हमारे टेबल पे हुआ करती थी कितना हैवी था, ये उसने बड़ी मुश्किलों से सारा सामान इकट्ठा किया है और लेके गई है। शी इज सच अ नाइस वुमेन, यू शुड नॉट डाउट हर इंटेंशंस। तो बहस यहां खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी क्योंकि मिसेज एस को पता है कि मेरी बेटी को इसकी मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो उस बात को वहीं रोक देती है। इसके बाद जो नरेटर है वो ट्रेन में सवार हो जाती है अपने डेस्टिनेशन पे वापस लौटने के लिए और फिर याद करती है उस दिन को व्हेन शी हैड सीन मिसेस डॉलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जब वो सुबह उठ के आती है और उतर रही होती है तो वो देखती है अ वुमेन इन अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट वॉज देयर, शी वॉज कैरिंग अ हैवी सूटकेस अंडर हर कोट रैक विथ सो मच डिफिकल्टी, बहुत ही मुश्किलों से एक हैवी से सूटकेस को वो लेके छुपा के अपने कोट रैक के अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है। शी हैड अ ब्रॉड बैग, तो मिसेज एस मिलवाती हैं मिसेज डॉलिंग, ये मेरी बेटी है, और अपनी बेटी को कहती है कि ये मिसेज डॉलिंग है, उनमें एक हल्की सी ग्रीटिंग होती है, तो बस एक फ्लीटिंगली उसने मिसेज डॉलिंग को देखा था, तो गलतफहमी होने की संभावना में है कि उसने बहुत ही उल्टी हुई नजर से थोड़ा सा मिसेज डॉलिंग को देखा था। वो देखती है कि मिसेज डॉलिंग को बहुत मुश्किल हो रही है इन कैरिंग दैट हैवी सूटकेस विद हर, तो वो अपनी मदर से पूछती है दैट शी इज गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, तो उसको वहां तक जाने में कितना मुश्किल होगी। तो तब मिसेज एस बताती है कि कोई दूर नहीं है, वो तो यही रहती है नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट,
और यही एड्रेस तुम्हें याद रखना है, और तब से लेके नरेटर को अब तक वो एड्रेस हमेशा के लिए याद हो गया है, क्योंकि वहां पर उसकी मदर के सारे बिलोंगिंग्स जो हैं वो स्टोर्ड है। उसके बाद वो घर पहुंच जाती है और याद करती है उस टाइम को जब युद्ध हुआ। युद्ध के ड्यूरेशन में उस लड़की ने बहुत कुछ खोया है। एवरी डे शी हैड टू फाइंड फॉर सम न्यू प्लेस फॉर हर सेफ्टी। उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ रहा था, कभी कहीं छुपना पड़ रहा था, कभी कहीं छुपना पड़ रहा था। इस पूरे युद्ध में उसने बहुत सारी चीजें खोई हैं, अपने लविंग वंस खोए हैं, अपना वेल्थ खोया है, अपना लोग खोए हैं। तो इस सारी चीजों के बाद जो उसकी जो इंटरेस्ट था उस सामान में वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। जब इतने सारे लोगों को उसने खो दिया, जब इतनी प्यारी प्यारी चीजें, उसके प्यारे प्यारे इंसान उसके खत्म हो गए, तो उस चीज की, उन चीजों की औकात ही क्या है। उसको लगता है इनका इम्पोर्टेंस ही कितना है, क्योंकि और दूसरी तरफ शी वॉज अ लिटिल बिट अफ्रेड टू गेट कन्फ्रंटेड विद दोज थिंग्स दैट वर एसोसिएटेड विद अ कॉन्टेक्ट दैट वॉज नो लॉन्गर इन प्रेजेंट टाइम। कि जब भी वो उस सामान को देखेगी उसे अपने मदर की याद आएगी और उसे ये और ज्यादा सताएगा ये फैक्ट कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, वो इस खराब ड्यूरेशन में उसने अपनी मदर को खो दिया है। तो ये उसको डर लगता है, शायद इस वजह से भी वो सामान नहीं लेना चाहती। बट एज सून एज द सिचुएशंस गेट्स नॉर्मल, चीजें नॉर्मल होने लगती हैं, नाउ दे हैव अ लिटिल बिट कंपैरेटिवली सेफर प्लेस, वो सो सकते हैं रात को, उन्हें उठना नहीं पड़ता है, भागना नहीं पड़ता है। जब चीजें नॉर्मल हो रही हैं, वन डे शी रियलाइजेज दैट शी वॉन्ट्स दोज थिंग्स, द थिंग्स विच वर एसोसिएटेड विद हर लवली मदर, एंड शी वॉन्ट्स टू हैव दोज थिंग्स। वो उन चीजों को पाना चाहती है, उनके थ्रू अपने मदर को याद करना चाहती है। तो वो तभी उसको ये एड्रेस का ध्यान आता है और वो विजिट पे करती है, जो कि पहली विजिट जो मिसेज डॉलिंग के यहाँ होती है वो फेल हो जाती है। तो वो सोचती है कि मैं एक बार और जरूर जाऊंगी और अपने सामान को वहां से लेके आऊंगी। सो वंस अगेन शी विजिट्स मिसेज डॉलिंग्स हाउस, एंड दिस टाइम शी इज वेलकम्ड बाय अ गर्ल ऑफ 13 ईयर हु हैज अ ब्रॉड बैग, दैट मीन्स शी इज द डॉटर ऑफ मिसेज डॉलिंग। तो मिसेज डॉलिंग की बेटी है और उसको इन्फॉर्म करती है दैट माई मदर हैज गोन फॉर सम एरेंट, कुछ करने गई हुई है, सो इफ यू वॉन्ट यू कैन वेट फॉर हर, और उसको अपने साथ अंदर लेके जाती है। वेन द नरेटर इज पासिंग थ्रू द पैसेज शी हैपन्स टू सी एन ओल्ड हनुक्का। हनुक्का इज अ मल्टीपल कैंडल होल्डर, एक बड़ा सा आयरन का कैंडल होल्डर होता है जिसपे बहुत सारे कैंडल्स जो है वो एक बार में लगाए जा सकते हैं। सो दिस वॉज अ पीस दैट बिलोंग टू द मदर ऑफ द नरेटर। तो उसको याद आ जाता है, वो समझ जाती है कि मेरा सामान यही है। वो अंदर जाती है, उसको जो मिसेज डॉलिंग की बेटी है वो उसको एक लिविंग रूम में बिठा देती है, और जब मिसेज एस की बेटी वहां बैठती है, नरेटर वहां बैठती है, शी इज शॉक्ड एंड फ्राइटेंड एट द सेम टाइम। शी सेज दैट आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड आई डिडंट न्यू। क्यों? मैं जानती भी थी उस रूम को और नहीं भी जानती थी। क्यों? क्योंकि when she looked at all around the room, उसने देखा कि सारी चीजें, the belongings of a mother were scattered all over there, पूरे कमरे में वो सारी चीजें थी जो एक टाइम पर उसकी माँ के पास से लाई गई थी, जो कभी उसकी माँ से जुड़ी हुई थी। बट उन सारी चीजों को तो मैं पहचान रही थी, बट द थिंग्स वर अरेन्ज इन सच अ डिस प्लीजेंट एंड डिसऑर्डर्ड वे, इतनी ज्यादा वो डिस्टेस्टफुल तरीके से वहां फैली हुई थी चीजें कि उसको घुटन होने लगती है। उसको लगता है कि मैं तो ये चीजें जानती ही नहीं, क्योंकि मेरी मदर तो उनको बहुत ही केयर से संभाल के और बहुत अरेंज करके रखा करती थी। तो उसको बहुत अजीब सा फील होता है। वो जिस टेबल पर बैठती है उस पर एक टेबल क्लोथ होता है, वो उस पर उंगलियां फेरती है और उसकी उंगलियां गर्म हो जाती हैं उस डिजाइन को फॉलो करके, बिकॉज द डिजाइन वॉज एम्ब्रॉयडर्ड बाय हर लवली मदर। वहां पर एक बर्न मार्क भी वो ढूंढती है जो कभी हो गया था उसकी माँ के टाइम पे, वो उसको मिल भी जाता है। उन सारी चीजों को देख के उसे चॉकिंग फील होती है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि दैट शी इज गोइंग टू सी दीज थिंग्स इन दिस वे। इतने टाइम से जिन चीजों को उसको देखना था वो इस तरीके से उसके सामने आएंगी। तो ये सब तो
उसने कभी सोचा भी नहीं था। इसके बाद क्या होता है कि वो अपने वो उस लड़की से कहती है, वो लड़की उसको चाय ऑफर करती है और चाय जिस व्हाइट कप में ऑफर करती है उस पर एक सिल्वर लाइनिंग होती है और वो पहचान जाती है कि ये चीज भी, ये कप भी जो है, ये कटलरी भी जो है वो उन्हीं की है, मिसेस एस की ही है। यहाँ पर वो उस लड़की से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये जो प्लेट सामने टंगे हुए हैं ये एंटीक है। तो वो लड़की कहती है कि हो सकता है, आई डोंट हैव एन आइडिया बिकॉज देयर आर मेनी अदर सच थिंग्स इन अवर हाउस एंड माय मदर सेज दैट दे आर एंटीक बट आई डोंट थिंक एनीथिंग स्पेशल इन देम। वंस आई वांटेड टू ईट इन अ प्यूटर प्लेट एंड आई हैड एन एप्पल विद इन इट बट इट वाज नथिंग स्पेशल, कुछ तो अच्छा हुआ नहीं, तो मुझे क्या पता कि एंटीक है कि क्या है, क्या स्पेशल होता है इन चीजों में। तो लड़की कहती, तो नरेटर कहती है कि ऐसा ही होता है, हम अपने घर में अपनी चीजों को, चाहे वो कितनी भी कीमती हो, चाहे वो कितनी भी प्रेशियस हो, स्पेशल हो, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, वी बिकम सो यूज्ड टू वॉचिंग दोज थिंग्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस कि समटाइम्स वी बिगिन टू इग्नोर देम, हमारा ध्यान ही नहीं जाता उन चीजों पे, हम उन्हें देखने के इतने यूज्ड हो चुके होते हैं कि हमारी नजर उन पर तब तक नहीं जाती जब तक कि वो हमारे नजरों से हटा दी नहीं रहती, जब तक वो मिस नहीं होती है। और मिस कब होती है? मिस तो तब होती है या तो कोई उन्हें लेके चला जाए या फिर वो किसी को लैंड कर दी जाए, जैसे मिसेज एस ने उन चीजों को, मिसेज डॉलिंग को लैंड किया था। वो कहती है कि जब मैं छोटी थी और एक बार मैं स्कूल नहीं गई, मे बी आई वॉज नॉट वेल, सो आई वॉज स्टेइंग एट होम एंड माई मदर आस्क मी टू पॉलिश ऑल द सिल्वर ऑन द डाइनिंग टेबल, सो आई हैड नो आइडिया, आई आस्क वॉट सिल्वर शी मीन्ट। और उस दिन उसने मुझे बताया कि वो सारे फोक्स, वो सारे नाइव्स और स्पून्स जिनसे हम डेली खाना खाते हैं, वो सारा का सारा इट वाज मेड ऑफ प्योर सिल्वर। और उस दिन मुझे पता चला कि जिन डेली बर्तनों में जिनमें हम खा रहे हैं वो सिल्वर के बने हुए हैं। मिसेस डॉलिंग की बेटी से वो पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये जो कटलरी तो तुम यूज कर रही हो ये प्योर सिल्वर की है। तो उसे अपनी ही बातें जो है बड़ी अननेचुरल लग रही हैं, उसे अपनी ही साउंड जो है वो बहुत ही अननेचुरल लग रही है, क्योंकि शायद उसने कभी सोचा नहीं था दैट व्हेन शी विल बी इन फ्रंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स शी इज गोइंग टू हैव दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन। और वो ये करना भी नहीं चाहती लेकिन उसके अंदर से ये सब बातें निकल रही है। सडनली शी गेट्स अप और कहती है आई एम गेटिंग लेट, दिस इज द टाइम ऑफ माई ट्रेन सो आई हैव टू लीव। वो लड़की कहती है डोंट यू वेट वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, और वो कहती है नो नाउ नाउ इट्स नॉट नीडेड, और वो तुरंत वहां से बाहर निकल जाती है। इन वन ब्रीथ शी रीचेज एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट वेयर देर वॉज अ बोर्ड रिटन मार्कोनी स्ट्रीट, सो शी हैड विजिटेड दैट एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट शी हैड विजिटेड बट टूडे इट वॉज ऑफ नो यूज एट ऑल। आज उसे उस एड्रेस की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही है, उस एड्रेस की जिसको उसने इतने सालों से याद रखा हुआ था, इतने टाइम से याद रखा हुआ था और जहां पर वो इतनी शिद्दत से आना चाहती थी। वो महसूस करती है कि इस युद्ध में सारे ही लोगों ने कुछ ना कुछ खोया है, किसी ने अपने प्यारे लोग खोए हैं, किसी ने अपनी वेल्थ खोई है, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी खोई है, सबको कुछ ना कुछ तो भूलना ही है। और वो सोचती है कि मैं अब इस एड्रेस को भूलूंगी, और मुझे लगता है कि जो बहुत सारी चीजें हैं भूलने के लिए उनमें सबसे आसान इस एड्रेस को भूलना है, क्योंकि इस एड्रेस पर है क्या, वो आइटम्स, वो कॉस्टली और एक्सपेंसिव आइटम्स विच वंस यूज्ड टू बिलोंग टू माई मदर। लेकिन अब उसे रियलाइज होता है कि सारी इमोशनल वैल्यू दैट वॉज एसोसिएटेड विद दैट थिंग्स इट वॉज लिमिटेड अप टू द टाइम वेन अंटिल द थिंग्स वर एसोसिएटेड विद द मदर। जब तक वो चीजें माँ के पास थी तब तक उनकी इमोशनल वैल्यू था, लेकिन आज उनको डिफरेंट सराउंडिंग्स में देखने के बाद उसका दिल भर चुका है एंड शी हैज लॉस्ट ऑल द इंटरेस्ट इन ऑल दोज थिंग्स। और वैसे भी उसको लगता है कि वो सामान जो कभी इतना सिस्टमैटिक और इतने खूबसूरत तरीके से एक बड़े से ब्यूटिफुल हाउस में रखा जाता था, अब मैं उसका करूंगी क्या और उसको रखूंगी कहाँ, क्योंकि अब वो एक छोटे से घर में रहती है, एक छोटे से रेंटेड रूम में बल्कि रहती है जहां पर उन्होंने ब्लैक शेड्स लगा रखे हैं। ब्लैक शेड्स लगाने का मतलब है स्टिल दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग अटैक्ड
एट नाइट, तो अभी भी जब वो खतरे में रह रहे हैं अभी भी ऐसा हो सकता है कि कभी भी उनको फिर से भागना पड़े। एक छोटे से टेबल के ड्रॉर में उन्होंने एक हैंडफुल ऑफ कटलरी रखी हुई है जिनसे उनका काम चलता है, तो उसको लगता है कि मैं इस सारे सामान का करूंगी भी क्या। और वो कहती है कि जब इतनी सारी चीजें बोल रही हूँ तो आई रिजोल्व टू फॉरगेट दिस एड्रेस एज वेल, तो मैं इस एड्रेस को भी एक ना एक दिन फॉरगेट कर ही दूंगी और इसके बाद आई विल नेवर रिटर्न टू दिस एड्रेस। और ये कन्विक्शन के साथ वो वहां से चली जाती है एंड विद दिस द स्टोरी एंड्स। थैंक यू।